सकती हूँ। मेरे ससुराल वाले ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, आज मैं भाई के घर में हूँ। आज अगर भाई भी मुझे घर से निकाल देते हैं तो मैं अपने दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। काउंसलर खालिद खान, उनके डेथ हुए को कम से कम लगभग 2 साल होने जा रहा है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिल रहा है। जितेंद्र तिवारी, उन्होंने कहा था कि बच्चों के नाम पे 5-5 लाख रुपए देंगे, टोटल 10 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं हुआ। मैं कई बार एक छोटा सा जॉब मुझे कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया था, जिसमें से मैं जितना मुझे सैलरी मिलता है मैं अपने बच्चों की वो उसमें कोई भी पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाती हूँ। कोई से आज मैं जिस हाल में हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर जो दुख मैं सह रही हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ, मैं ममता बनर्जी के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ हूँ और ममता बनर्जी के साथ में रहूंगी। आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। आज मैंने इस मुद्दे को लेकर प्रेस मीट किया है। मेरे हस्बैंड जो मेरे शौहर थे काउंसलर खालिद खान, उनके डेथ हुए को कम से कम लगभग 2 साल होने जा रहा है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला है। हमारे जो पूर्व मेयर कॉर्पोरेशन के जो मेयर थे जितेंद्र तिवारी, उन्होंने कहा था कि बच्चों के नाम पे 5-5 लाख रुपए देंगे, टोटल 10 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं हुआ। मैं कई बार उनके पास गई, मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे बच्चों के नाम पे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा। ऐसे करते करते कितने महीने गुजर गए, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं और कॉर्पोरेशन भी ख़त्म हो गया, इलेक्शन आ गया, इसलिए मैं ये प्रेस मीट मैंने रखा है। तो मैडम इस बारे में और किसी को अपनी जानकारी दी? इस बारे में मैंने जानकारी तो किसी को नहीं दी थी, एक लेटर मैंने सीएम को लिखा था, वो भी मैंने हाल फिलहाल में ही लिखा है, इलेक्शन होने को आ रहे हैं। इससे पहले मैंने उन्हीं के भरोसे सब छोड़ दिया था कि वो शायद कुछ हेल्प मेरी कुछ सहायता करेंगे, लेकिन कोई सहायता मुझे उनकी तरफ से नहीं मिली। अच्छा, उस समय तो आपको किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी भी दी गई थी? हाँ जी, एक छोटा सा जॉब मुझे कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया था, जिसमें से मैं जितना मुझे सैलरी मिलता है मैं अपने बच्चों की वो उसमें कोई भी पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाती हूँ, कोई भी मैं उन लोग की पूर्ति नहीं कर पाती हूँ। मेरे ससुराल वाले ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, आज मैं भाई के घर में हूँ। आज अगर भाई भी मुझे घर से निकाल देते हैं तो मैं अपने दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। अच्छा, आपका सरकारी जॉब लगा हुआ है या प्राइवेट जॉब लगा हुआ है? ये मेरा कैजुअल जॉब है, पर सरकारी जॉब नहीं है। अभी तक सरकारी क्यों नहीं हुआ? सरकारी जॉब नहीं हुआ है, ये तो मतलब कि कॉर्पोरेशन ही ने दिया था मुझे। तो कॉर्पोरेशन आपको बताया था ना कि ये जॉब मैं कैजुअली दे रहा हूँ या सरकारी हो जाएगा? नहीं, उन्होंने कहा था कि ये लेटर तो लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कैजुअल जॉब है। कैजुअल जॉब है, आपको उसमें पता था? जी। तो आज क्यों ये प्रेस मीट रखे हैं आप? ये मैंने नदी से कहा थे आप? ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इतने दिन से मतलब क्या बोलूं, मैं इतने दिन से आज मैं जिस हाल में हूं, मैं अपने बच्चों को लेकर जो दुख मैं सह रही हूं, आज मैंने ये कदम उठाया। मैं कितने दिन से सबको बोल रही हूँ, मैंने आपको कहा कि मैंने जितेंद्र तिवारी को बहुत बार बोला, उनसे बात की, लेकिन मैं एक आश्रम में थी, मैं एक हाउस वाइफ थी, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। आज मैं निकली हूँ, आज मैं इतना कुछ देख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन कोई सहायता मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने प्रेस मीट रखा। इस बारे में कभी आपने विधायक को जानकारी दी? इस बारे में नहीं, इस बारे में मैंने विधायक को जानकारी कभी नहीं दी थी। विधायक को भी लगता था शायद मुझे मिल चुका है, उनको भी शायद नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हुआ है। आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे मुझे कुछ कदम नहीं उठाना है, बस मैं पार्टी कर रही हूँ, मैं ममता बनर्जी के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ हूँ और ममता बनर्जी के साथ में रहूंगी, मैं पार्टी कर रही हूँ। बाकी बस मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए, जो मतलब कि बोला गया था कि बच्चों के नाम पे जो पैसा दिए जाएंगे वो बस मैं चाहती हूँ। अब मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, एक सरकारी में नौकरी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ।